गाइज वेलकम बैक टू सबसो न्यूज। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सब टीवी के शो जिद्दी दिल माने ना के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि जिद्दी दिल माने ना 8 बजे के प्राइम टाइम स्लॉट पे आता है, लेकिन 8 बजे के टाइम स्लॉट पे शो उतना कुछ खास टीआरपी नहीं लेके आ रहा। एंड अब आने वाले महीनों में सब टीवी पे काफी न्यू शोज आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर जिद्दी दिल माने ना शो को सेफ रहना है तो शो को अच्छा टीआरपी लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए शो के मेकर्स अब काफी बड़ा ट्विस्ट प्लान कर रहे हैं जिद्दी दिल माने ना कि अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। सलीन मल्होत्रा जो शो में करण का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो उनके कैरेक्टर यानी करण का शो में होने वाला है डेथ। जी हाँ, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि सलीन मल्होत्रा का जो फैन बेस है वो काफी ज्यादा बड़ा है एंड करण कैरेक्टर को सब लोग जिद्दी दिल माने ना शो में देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो है अब आप लोगों को जिद्दी दिल माने ना के अपकमिंग एपिसोड में करण कैरेक्टर का डेथ होते हुए दिखेगा। बात करें कि जब शो में करण का डेथ होगा तो उसके बाद हमें क्या स्टोरी देखने को मिलेगा, तो मोनामी जो करण के काफी ज्यादा क्लोज होती है, तो जब करण का डेथ होता है तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि मोनामी कितना ज्यादा स्ट्रगल करती है, मोनामी क्या कुछ फेस करती है। हो सकता है कि जब करण का डेथ होगा तो कुछ एपिसोड के बाद हमें मोनामी के जिंदगी में एक नया लड़का देखने को मिलेगा, यानी ये काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें एक बड़े एक्टर का शो में एंट्री होते हुए दिख सकता है। तो मेकर्स यहाँ पर फुल ट्राई कर रहे हैं शो के टीआरपी को इंक्रीज करने का, क्योंकि आपको पता है कि 8 बजे के प्राइम टाइम स्लॉट में शो काफी ज्यादा कम टीआरपी लेके आ रहा है। स्टार्टिंग से ही शो का टीआरपी उतना कुछ खास नहीं रहा है एंड कुछ महीनों से होते शो का टीआरपी 0.6 पे ही अटका हुआ है। तो अगर शो का अभी टीआरपी इंक्रीज नहीं हुआ तो जो है शो आने वाले टाइम में काफी बड़े डेंजर में हो सकता है, क्योंकि सब टीवी ने कुछ ही दिन पहले एक न्यू शो का अनाउंसमेंट कर दिया है अली वाह। तो काफी ज्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर जिद्दी दिल माने ना शो का टीआरपी इंक्रीज नहीं हुआ तो सब टीवी का न्यू अपकमिंग शो अली बाबा जिद्दी दिल माने ना को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अभी अली बाबा शो ऑन एयर होने में 1-2 महीने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सब टीवी का न्यू शो अली बाबा हमें आईपीएल के बाद ही ऑन एयर होता हुआ दिखे। तो तब तक यहाँ पर जिद्दी दिल माने ना शो के मेकर्स के पास टाइम है शो के टीआरपी इंक्रीज करने को। लेकिन यहाँ पर जिद्दी दिल माने ना शो के काफी ज्यादा फैंस नाराज है कि क्यों शो के मेकर्स करण के कैरेक्टर को एंड कर रहे हैं, क्योंकि जो सलीन मल्होत्रा का फैन बेस काफी बड़ा है एंड करण कैरेक्टर को जिद्दी दिल माने ना शो में सब लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो काफी फैंस यहाँ पर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वैसे इस चीज के ऊपर आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे जिद्दी दिल माने ना शो फैंस के साथ। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप सुनते हो अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।